हे दोस्तों, इंवेस्टिंग का कमांडो इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज डिविडेंड रिलेटेड जो कि तीन कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कंपनियों ने अभी डिविडेंड अनाउंस किया है। इंटरमेंट डिविडेंड क्वार्टर थ्री के बाद जो रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद जो कंपनी ने वन ईयर में फोर क्वार्टर होते हैं, थ्री थ्री मंथ के जो क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस होते हैं उसको बोलते हैं क्वार्टर थ्री वाला। बस तीसरा क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ था जो कंपनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। कुछ कंपनियों ने 300 रुपये के आसपास डिविडेंड दिया है और कुछ कंपनी ने 20 का शेयर होने के बाद भी 10 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड किया है और कुछ शेयर ने 12 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो चलिए जानते हैं किस कंपनी ने दिया है और उसके बारे में भी, और आपको परचेस करना है वो, और कितने डेट के पहले आपने परचेस किए तो आपको उसके कंपनी का जो डिविडेंड वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ उस शेयर का नाम क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं फार्मासिक, जो फार्मा कंपनी है उसके बारे में। जो फार्मा कंपनी है वो आप सभी को पता है फार्मा मीन्स क्या होता है। फार्मा मीन्स जो कि मेडिसिन होते हैं, जो जो मेडिसिन होते हैं जैसे कि हर कोई भी डिसीज़ में यूज़ होने वाली जो मेडिसिन होते हैं उसका प्रोडक्शन करने वाली कंपनी का नाम उसको फार्मा बोलते हैं। और यहाँ पर ये सनोफी इंडिया लिमिटेड ये एक फार्मा कंपनी है। इसके बहुत सारे जो मेडिसिन है और ट्रिप्सिल्स है और अलग अलग जो ब्रांडेस है अवेलेबल इस कंपनी के, और बहुत ही अच्छी कंपनी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कोरोना वायरस में हर कोई कंपनी रेड निशान में चल रही है, बट यहाँ पर ये कंपनी देख सकते हैं फार्मा सेक्टर या ऐसा सेक्टर होता है केमिकल रिलेटेड सेक्टर है ये। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर करेक्शन दिख जाएगा, 4% की जम दिख रही है यहाँ पर, 313 रुपीज़ की यहाँ पर जम दिख जाएगी। बट आप इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि ये कंपनी वन ईयर में कितना सारा रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पर, तो देखिए आपको 33% का यहाँ पर रिटर्न वन ईयर में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मीन्स ये बैंक से भी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करती है। और आपको यहाँ पर जानबूझकर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग को शेयर की प्राइस कितनी रुपीज़ थी, और मैं आपको इसी से पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट होता है। देखिए 389 रुपीज़ का ये शेयर था कब, 2002 की बात करें तो, और तब जो होल्ड करने वाले को आज की प्राइस देखिए कितनी है। आज की प्राइस तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी कितनी है, 7275 रुपीज़ इस शेयर की प्राइस यहाँ पर हो चुकी है। तो यही तो बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म का। मैं इसलिए आपको मैक्सिमम वाला चार्ट दिखाना चाहता हर बार को, इस ये जो चार्ट पैटर्न है मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि लॉन्ग टर्म में उस शेयर ने कितना रिटर्न प्रोवाइड किया और उसके कितना बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने से। और आप यहाँ पर एक मंथ का भी रिटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1454 रुपीज़ का रिटर्न प्रोवाइड करती है खाली 6 मंथ में, इतनी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर मंथ देखिए, एक मंथ में कोरोना वायरस के लिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन की क्रिएशन हो चुका है, बट आप देखिए जो महंगे शेयर होते हैं उतने ही महंगे दाम में रिटर्न भी देते हैं और महंगा ही डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं। 7000 का है मीन्स वैसा ही जितना महंगा है उतना ही आप ट्रेंड में चलता रहेगा वो शेयर। 7000 का है को बोल के तो उसके देखिए एक बार की उछाल देखिए और एक बार का देखिए उसका एक बार का जो रिटर्न देखिए प्रोवाइड कितना है, 313 रुपीज़ का। इसी तरीके जो महंगे शेयर होते हैं उसकी ये तो फैसिलिटी होती है कि वो बड़े ज़्यादा महंगे होते हैं और उसका रिटर्न भी महंगा ही हो जाता है और आपको बेनिफिट भी हो जाता है। आप नेस्ले इंडिया जैसा देख सकते हैं, वो 16000 का शेयर है, उसका डिविडेंड भी देख सकते हैं आप, 400-500 रुपये डिविडेंड प्रोवाइड करता है। वैसा है जितना महंगा शेयर होता है डिविडेंड भी और अदर फैसिलिटीज़ भी वो प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद में मैं आपको इस कंपनी ने डिविडेंड कितना अनाउंस किया उसके बारे में फर्स्टली बात कर लेते हैं। कंपनी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड और ये कंपनी के जो भी बिजनेसेस है बड़े अच्छे है पूरे इंडिया में और मल्टीनेशनल। ये कंपनी फ्रांस की कंपनी है जो अदर कंट्री में आती है, मल्टीनेशनल कंपनी। इसके बहुत सारे ब्रांचेस है इंडिया में केमिकल रिलेटेड और जो ट्रिप्सिल जो भी मेडिसिन होते हैं उसका प्रोडक्शन करने का काम ये कंपनी करती है। आप सभी को मेडिसिन के बारे में, मैं आपको यहाँ पर विकिपीडिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च मारकर देख भी सकते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बना नहीं रहा था, पूरा वीडियो देखिए। अलग अलग शेयर की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए ये हो गया ये फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, बट इसका आज हम देखते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी कोई भी हो
बट यहाँ पर कंपनी के जो डिलीवरीज उठाई जाती है, यहाँ पर कितने क्वांटिटी में शेयर खरीदे गए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। 51% मीन्स आधे शेयर, आधे कंपनी के शेयर यहाँ पर परचेस किए गए 51%। इसका मतलब कंपनी अच्छी है, इसलिए तो इतने लार्ज क्वांटिटी में और इतना महंगा शेयर होने के कारण भी लोग परचेस कर रहे हैं। तो आते हैं काम की बात पर, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पर डिविडेंड कितना कंपनी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आप यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर ये कॉलम देख लीजिए और आपको यहाँ पर डेट देख लीजिए कितनी है, 17 अप्रैल 2020 की बात है, मीन्स अगले महीने की जो बात है उसके बारे में। तो यहाँ पर मीटिंग में देखिए, एनुअल मीटिंग में कंपनी ने डिविडेंड कितना किया है, 106 रुपीज़ का यहाँ पर दिख जाएगा। और स्पेशल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड कितना अनाउंस किया है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 243 रुपीज़ का। तो ये देखिए कितना हो गया, पूरा मिलाकर 350 रुपये का डिविडेंड आपको यहाँ पर ये कंपनी देखिए, 350 रुपये का डिविडेंड। तो ये लार्ज क्वान्टिटी में और ज़्यादा शेयर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पास खाली उस कंपनी के 100 भी शेयर होंगे तो देखिए आप यहाँ पर कितना 315 रुपीज़ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितने हो गए, 350,000 इतने रुपए आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो देखिए आपके पास 100 ही शेयर हो गए तो, और जिनके पास इस कंपनी के लैक्स ऑफ शेयर है उनको देखिए कितना करोड़ों में डिविडेंड प्रोवाइड हो जाता है और इतने अमीर भी बन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट और क्वांटिटी ऑफ द शेयर बढ़ाए तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता ही है। ये जो सिंपली फंडामेंटल, और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ एनुअल जनरल मीटिंग की जो रिपोर्ट कहाँ से लाई जाती है और आपको पढ़ने के लिए रिपोर्ट्स कहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिपोर्ट कहाँ पर मिलती है। तो रिपोर्ट ये कोई भी आपको अपने यूट्यूब के वीडियो में कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्या बताया, एनुअल जनरल मीटिंग्स रिपोर्ट मिल जाती है यहाँ पर आपको, यहाँ सर्च मारने के बाद। और ये देखिए यहाँ पर आपको 2018 सब कुछ यहाँ पर देखिए, जो ईयर बाय ईयर होती है यहाँ पर PDF अवेलेबल हो जाती है। ये हो गई कंपनी के जो भी बारे में है वो, बट आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट के बाद में हम देख लेते हैं कि कंपनी में कोई दूसरे इंटरनल इशू और कोई भी बात नहीं है। इसके बाद में मैं आपको जो कंपनी की प्राइस है देखिए, 23 रुपये प्राइस है, बट कंपनी ने डिविडेंड 10 रुपये का प्रोवाइड किया है। तो कंपनी की प्राइस देखिए और डिविडेंड देखिए कितना सारा दिया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसलिए तो इस शेयर की प्राइस आपको ग्रीन निशान दिख जाएगी यहाँ पर, इतना सस्ता शेयर होने के बाद भी इतना अप ट्रेंड में दिख रहा है और इतना सारा प्रोवाइड भी किया है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मीन्स टेक्सटाइल मीन्स जो कि कपड़े होते हैं, जो क्लॉथ होते हैं उसका प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जो 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 कि आपने जो प्रोडक्ट होते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं क्लॉथ से रिलेटेड, वो उसका प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मंथ का रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न देख लीजिए कितना डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। बट ये जिसको भी डिविडेंड के लिए फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको ये डिविडेंड 10 रुपये का प्रोवाइड कर रही है। मेरा काम था डिविडेंड के बारे में बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस शेयर के बारे में। आप परचेस मत कीजिए, कोई इतना इफेक्टिव कंपनी नहीं है ये। तो मैं आपको खाली डिविडेंड के लिए, जिसे भी डिविडेंड का फ़ायदा उठाना है वो लेकर देख सकते हैं और एग्जाम्पल थ्रू कैसा डिविडेंड आपको अनाउंस होता है, किस तरीके से आपके डीमैट अकाउंट में आता है। इसलिए आपको लर्निंग के पर्पज़ से आप यहाँ पर डिविडेंड देखने के लिए छोटा शेयर लेकर भी देख सकते हैं। ये हो गई, ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बट इस कंपनी का डिविडेंड कितने रुपए दिया है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, एनएससी की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। मैं एनएससी की वेबसाइट पर आपको सर्च मार के दिखाना चाहता हूँ कंपनी का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर वेजाम यहाँ पर दिख जाएगा कंपनी का नाम, बट फर्स्टली मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन में आपको डिविडेंड कितना प्रोवाइड किया है कंपनी ने। और आपको देखिए इंट्रीमेंट डिविडेंड 10 रुपये 16 मार्च के पहले, इसी साल में 16 मार्च के पहले जब भी आप इस शेयर को खरीदेंगे, तब आपको एक दिन पहले भी खरीदेंगे तो आपको 10 रुपये का डिविडेंड इस शेयर से मिल जाएगा। और डिविडेंड प्रोवाइड करने की 30 मंथ की जनरल मीटिंग के बाद में जो इंट्रीमेंट डिविडेंड अनाउंस होता है, तो उसको 30 दिन के अंदर कंपनी के जो भी होल्डर्स है, मीन शेयर होल्डर है, उनके डिविडेंड अकाउंट में कंपनी को जमा ही करना पड़ता है। सेबी रजिस्टर्ड सेबी की गाइडलाइन होती है। ये हो गए डिविडेंड के बारे में। दूसरी कंपनी के बारे में मैं आपको तीसरी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है TCS। आप सभी को पता है, मैं बहुत बार आपको इस
कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बता चुका हूँ जो इंडिया में आईटी कंपनी की टॉप, आप सर्च मार के देख सकते हैं गूगल पर कि टॉप आईटी कंपनी इन इंडिया, तो फर्स्ट रैंक पे आ जाएगी TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जो कि आपको मैं गए वीडियो में बता चुका हूँ कि इस कंपनी का जो रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए आप कभी भी शेयर देखने से पहले आपको यहाँ पर मैक्सिमम वाला चार्ट देखना चाहिए जो ऊंची गर्दन वाला दिखा देता है, यहाँ से पता चलता है कंपनी कितनी अच्छी है। डिविडेंड के साथ साथ ही मैं आपको शेयर की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ क्योंकि आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा बिलीव रखें। यहाँ आप देख सकते हैं 2004 में शेयर की प्राइस कितनी थी, तो 120 रुपीज़, खाली 120 रुपीज़ थी। तो देख सकते हैं अभी जो लार्ज क्वांटिटी में किसने खरीद कर रखे होंगे, तो उसको देखिए कितना सारा रिटर्न प्रोवाइड किया है कंपनी ने। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कितना 1203% का यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर अमाउंट दिख जाएगी कितने अमाउंट 1859 रुपीज़ का पर शेयर। तो मल्टीप्लाई ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ शेयर करें तो आपको दिख जाएगा कि कितना रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया और कितना सारा लोगों को मालामाल बना के रख दिया है। यही बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। और कंपनी कौन सी अच्छी है वो आपको बार बार इस वीडियो के, आप सभी को मैं इस चैनल पर ऐसा ही बताता हूँ कि कौन सी कंपनी अच्छी है उसके बारे में आप खुद एनालाइज करना सीखिए। मैं तो बताता ही हूँ, बट आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन कर सकते हैं किसी कंपनी से, यहाँ पर विप्रो कंपनी है, ये जो भी इतने कंपनीज है पूरे आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज आप देख भी सकते हैं गूगल पर सर्च मार के। इसके बाद में आप यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं इस कंपनी की, तो यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन मिल जाएगी, क्या क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। इसी तरीके से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए और आप ही कंपनी को एनालाइज करना सीख लीजिए। इसके बाद में मैं बात करना चाहता हूँ कंपनी ने डिविडेंड कितना अनाउंस किया है। तो फर्स्टली कंपनी बहुत ही अच्छी है और टॉप आईटी कंपनी इंडिया की है। ये जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस दूसरे रैंक पर ट्रेड करती है और ये TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज दो नंबर पर ट्रेड करती है। तो इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बाद में जो यहाँ पर एक कंपनी ने डिविडेंड कितना अनाउंस किया है, इसके बारे में हम फर्स्टली बात कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो डिविडेंड से रिलेटेड है। देखिए कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है जो 19 मार्च से पहले जो भी शेयर परचेस करेगा उसको 12 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। बट आप बोलेंगे ये TCS जैसा इतना बड़ा महंगा है, 1800 रुपये का शेयर है और 12 रुपये का डिविडेंड, ये डिविडेंड कंपनी साल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार प्रोवाइड करती है। तो देखिए 2019 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने कितनी बार डिविडेंड किया है, 2 बार अनाउंस किया है। मीन्स ये कम से कम 40 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अभी की बात कर ले तो 2020 में देखिए कंपनी ने Q1 और Q2 के बाद में देखिए कितना 12 रुपये और 5 रुपये, 17 रुपये का डिविडेंड तो अभी हो गया और 2 बार डिविडेंड देंगे। मीन्स कब 30 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर देगी। इस तरीके से लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर कॉलम में दिखा देता हूँ कंपनी में कोई ज़्यादा कर्जा भी नहीं है। देखिए 2% के शेयर ही खाली यहाँ पर गिरवी रखे है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कम से कम कितने 25% के शेयर होल्डर ने यहाँ पर गिरवी रखे तो बेनिफिट नहीं होता है कंपनी में और कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जो ग्रुप है टाटा ग्रुप से ही रिलेटेड एक कंपनी है, जो टाटा है रतन टाटा उनकी कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं 72% की जो शेयर के होल्डिंग है वो किसके पास है, प्रमोटर में जो भी बिजनेस चलाता है उसके पास कितने 72% शेयर उस कंपनी के। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि खुद को लॉस हो जाए, इसलिए ये प्रमोटर की होल्डिंग देखना चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले। ये जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है, मैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कोई दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी आप अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर पूरी जो न्यूज़ बता दी थी वो खाली डिविडेंड से रिलेटेड थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड से रिलेटेड आपको परचेस करना है तो करिए, और ज़्यादा फोकस आप टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज और जो मैंने आपको बताया फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है उसके बारे में देख सकते हैं। महंगा शेयर है बट जो भी गोल्ड होता है मीन्स अच्छे शेयर होते हैं वो कभी भी सस्ते दाम पर कभी नहीं मिलते, मिलते हैं तो फिर ऐसे जो क्रिटिकल सिचुएशन रिलेटेड होते हैं जैसे कोरोना वायरस हो या कोई आर्थिक हो, ऐसे जो सिचुएशन क्रिएट होते हैं तब कंपनी के जो शेयर्स हो आपको कम दाम पर मिलते हैं, तभी खरीद लेने चाहिए, आपको सस्ते दाम पर मिलते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए और बेस्ट इन्फॉर्मेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।